सत्याग्रह आंदोलन, घोगल गांव एवं कामन खेड़ा का सरकारी हुक्का पानी बंद। दीपावली पर सरकार ने हमारे साथ घोर अन्याय किया है। डूब प्रभावित नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बार फिर जल सत्याग्रह की राह पर है। ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर बिना पुनर्वास के बढ़ने से नाराज नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कामन खेड़ा ग्राम में अनिश्चित जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल ओंकारेश्वर बांध का जल भराव 193 से बढ़कर 196 मीटर तक किया जा रहा है। एनबीए ने मांग की है कि जब तक पुनर्वास पूरा नहीं हो जाता तब तक ओंकारेश्वर बांध को 196 मीटर लेवल तक नहीं भरा जाए। इधर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश हवाला देकर गांव खाली करने की बात कह रहा है। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में एक बार फिर लड़ेंगे हम जीतेंगे हम की आवाज गूंजने लगी है। ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ाकर 196 मीटर तक किया जा रहा है। इस लिहाज से बैक वाटर के पास के कई गांव डूब में आ गए हैं। वहीं डूब प्रभावित के साथ मिलकर एनबीए ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बार फिर जल सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। इधर गांव वालों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर हमें सरकार खुशियां छीन रही है। वहीं घोगल गांव की सुखबाई ने कहा कि सरकार ने उनके गांव की बिजली एंड त्योहार के मौके पर काट दी। इधर प्रशासन का कहना है कि वे लगातार प्रभावितों से संवाद कर रहे हैं। हमारे पास जो भी किसान समस्या लेकर आ रहे हैं उनकी समस्या का हम तत्काल निराकरण कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि विस्थापित फिर से बस सके और बेहतर तरीके से जिंदगी शुरू कर सके, इसलिए हम दोस्ताना तरीके से उनसे बात कर